एंड अगर मैं शायद आज घर के अंदर होता तो मैं ये होने नहीं देता, मैं पूरी कोशिश करता कि बीच में आकर रोकता। प्रतीक की वो तो शुरू से आदत है, वो गेम शो में करते आदत, उनका गेम प्लान है, वो स्ट्रैटेजी है। आप अटैक नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, मारेंगे तो निष्कासित हो जाएंगे, आप निकाल दे जाएंगे वहां से, जो हुआ अभी आई गेस ईशान के साथ। यू नो मैं एक्चुअली पहले भी जब मैं घर में था तब भी एक दो बार आई थिंक इनका हाथापाई हुआ था, जिसमें गला वाला भी पकड़ लिया था किसने का, जो आपने देखा होगा। ओह गॉड, ये तो मतलब कमाल, ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज हो गया आज का पूरा ये, क्योंकि जी 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 क्या किया उसने। यू नो मैं एक्चुअली पहले भी जब मैं घर में था तब भी एक दो बार आई थिंक इनका हाथापाई हुआ था, जिसने गला वाला भी पकड़ लिया था किसने का, जो आपने देखा होगा। मैं वही उस टाइम पर मैं तो दंग रह गया था कि ये भी कैसे अलाउ किया, क्योंकि क्या बिग बॉस पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि आप फिजिकल नहीं हो सकते, इसलिए बिग बॉस इतना टफ है, क्योंकि वहां पर आपको लोग अगर ताने भी मारेंगे, कुछ बोलेंगे भी, गालियां भी देंगे, कुछ भी देंगे, आप अटैक नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, मारेंगे तो निष्कासित हो जाएंगे, आप निकाल दे जाएंगे वहां से, जो हुआ अभी आई केएस ईशान के साथ। तो बहुत ही टफ गेम है ये, इजी गेम नहीं है, क्योंकि मैं तो आम इंसान में से मैं बाहर अगर कोई मेरे से ऐसे करता है तो मैं बात कम करता हूँ और पहले हाथ उठा देता हूँ, तो मैं वैसा हूँ, तो मेरे लिए तो बिग बॉस बहुत ही बड़ा एक चुनौती था उस वे में। एंड अगर मैं शायद आज घर के अंदर होता तो मैं ये होने नहीं देता, मैं पूरी कोशिश करता कि बीच में आकर रोकता, बट यू नो कुछ लोग जान के चीजें चाहते हैं कि हो जाए, एंड ताने वाने भी मारते हैं ताकि अगला एकदम भड़क जाए, एंड यू नो दे क्रॉसेस द लाइन। और जो ज़ीशान ने गलती कर दी, ज़ीशान यही उसमें थोड़ा बचपना था, तो आई थिंक उसके वजह से ही इज आई गेस आउट टुडे। एंड आपके फैंस भी कह रहे थे कि प्रतीक जान बूझ के टारगेट करते हैं लोगों को, इस पे क्या कहना है आपका? प्रतीक की वो तो शुरू से आदत है, वो गेम शो में करते आदत, उनका गेम प्लान है, वो स्ट्रेटजी है, बट मुझे कभी उन्होंने टारगेट किया नहीं, क्योंकि मुझसे हमेशा वो बैकफुट पे चले जाते थे जब भी मैं बीच में आता था उनके। वो आपने नोट किया होगा जब अगर मुझे नॉमिनेट भी करते थे या कुछ भी इल्जाम भी लगाते थे अक्षरा के चक्कर में, तो मुझ पे इल्जाम भी लगाते थे, तो वो या रिधिमा को लेकर, सब रिधिमा से थोड़ा उनका अनबन था, तो सब मुझे पकड़ते थे हम एज अ कपल, तो जो भी वो करता था उसके बाद आकर हमेशा सॉरी बोलता था, तो मेरे साथ वो कहीं ना कहीं यू नो ही वॉन्ट टू बी सेफ। तो अगर शायद मैं होता घर में आज शायद ज़ीशान बच जाता, बट अभी ये चीज हुआ है तो इट्स वेरी बैड। एंड प्रतीक का ये गेम है, स्ट्रैटेजी है, उसको सब भड़काते भी है, निशान सब उसको यू नो सब उसको चाबी मारते ही मारते हैं। तो चलिए अभी ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ एक्चुअली, ज़ीशान भी काफी एंटरटेन कर रहा था बेचारा, वो आउट हो गया, इट्स बैड एंड वेरी सैड।